हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अ क्वेश्चन अ डे का डे 15। ठीक है, तो आज हमारा डे 15 है। 5 दिनों में क्वेश्चन अ डे खत्म हो जाएगा। और एक चीज की हम बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो आज डालने वाले थे, लेकिन हमने फिर कुछ और सोचा है, तो बायोमोलिक्यूल्स का वीडियो आज नहीं आया है। तो आप बने रहिएगा, बायोमोलिक्यूल्स पे कुछ और होने वाला है, तो आप डिसअपॉइंट नहीं हो गए आई बेट। और बस थोड़ी देर राह देखिए, अगले 5 दिन राह देखिए। वेलकम, क्वेश्चन अ डे खत्म होने के बाद हम कुछ और लॉन्च करने वाले हैं, तो उसमें हम बायोमोलिक्यूल्स कवर कर लेंगे। ठीक है, और वो लॉन्च क्या होगा वो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो ठीक है, डे 15 की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्स में हम करने वाले हैं आज लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और इसमें जो सब टॉपिक हम देखेंगे वो होगा एल हॉस्पिटल रूल। देखो, LCD बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इसमें लिमिट्स का एक सवाल आता है हर साल, एक आता है कंटिन्यूटी का और एक आता है डिफरेंशिएबिलिटी का। और बहुत आसान सवाल होते हैं, मतलब कंसेप्चुअल सवाल होते हैं। जैसे वो आपको पूछेंगे कि चेक कंटिन्यूटी एट सम पॉइंट, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट सम पॉइंट, और लिमिट का एक सवाल होता है। एल हॉस्पिटल वाला जनरली ज्यादा पूछा गया था, इसलिए हमने सोचा। तो यहाँ पे लिखा तो मैंने 22 out of 22 टाइम्स है, लेकिन ऐसा मान के चलो कि हर बार 3 सवाल आए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो 66 सवाल, मोर और लेस 50 हम कंसिडर करके चले। तो अगर एक पेपर में आपको 12 मार्क्स चाहिए हो तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी प्लीज याद रख लेना, 12 मार्क्स तो आपके पक्के हैं। ये 12, देखो मैं बता दूं, 12 मार्क्स इसके हो गए। कॉनिक्स में मैंने बोला था आपको पैराबोला का एक, हाइपरबोला का एक, इलिप्स का एक, तो वो कितने हो गए, वो भी हो गए 12। 24 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद रीजनिंग का एक सवाल आएगा, उसके 4 मार्क्स। स्टैटिस्टिक्स का एक सवाल आएगा, उसके 4 मार्क्स। उसके अलावा भी बहुत से टॉपिक्स है जिनका सवाल श्योर शॉट आता ही है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सवाल पक्का आएगा ही आएगा, उसके 4 मार्क्स। तो ऐसे मतलब बहुत आसान है मैथ्स वगैरह में करना, स्कोर करना, और बाकियों का भी सेम ही है। बस आप फॉलो करते जाओ, और अगर आप रिलीजियसली फॉलो करोगे ना, आपको मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिजिक्स में देखेंगे ऑप्टिक्स। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि क्या पूछा जाता है, लेकिन जनरली एक सवाल हमने देखा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से आता है बहुत बार। उसके अलावा एक दूसरा टॉपिक जो होता है वो होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला, वो भी बहुत बार पूछा जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला। तो ये 2 टॉपिक आप ट्राई करना कि आप कर लो अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री। सेम प्रॉब्लम है, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जनरली सोल्स के सवाल, उसके बाद फ्लोक्यूलेशन वैल्यू के सवाल, ये ज्यादा आते हैं। तो अगर आप ये भी कर लोगे तो आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं डे 15 की तरफ। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट्स वाला सवाल करने वाले हैं हम, देख लेते हैं पहले कि क्या लिखा है। इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन x क्यूब। ठीक है, ये सवाल है। देखो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, कंसेप्ट क्या करना है। कंसेप्ट हमारा है एल हॉस्पिटल रूल। देखो इसमें बोला क्या जाता है, अगर मेरा दिया है मुझे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, अगर x tends to c f of x upon g of x, अगर ये मुझे 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है, इन दो में से अगर कोई भी एक फॉर्म दे रहा है, तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिमिट x tends to c f dash x upon g dash x। मतलब मैं इन दोनों का सेपरेट डिफरेंशिएशन करके उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम लिख सकता हूँ। ठीक है, यही है एल हॉस्पिटल रूल। बहुत बार आता है, मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको JEE में सवाल आया लिमिट्स का, तो आप पहले चेक कर लेना कि एल हॉस्पिटल लग रहा है, क्योंकि मोस्टली एल हॉस्पिटल वाले सवाल आते हैं JEE में। ठीक है, तो बस यही करना है। इसके अलावा एक कंसेप्ट, ठीक है वो तो चीजें हम बाद में तभी देख लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला है, पहले चेक करते कि 0/0 है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 डालूंगा तो साइन इनवर्स 0 माइनस टैन इनवर्स 0 अपॉन 0 क्यूब, तो ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। मतलब मैं एल हॉस्पिटल लगा सकता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो होगा अप्लाइंग एल हॉस्पिटल। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 − x². ठीक है, यही वो चीज थी जो मैं बोल रहा था आपको कि डिफरेंशिएशन याद रख लो, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 − x² और tan inverse x का होता है 1/1 + x² अपॉन, ये न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर लिया सेपरेटली, अब डिनोमिनेटर का करते हैं, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x². ठीक है, अब इसको अच्छे से अगर लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो ये होगा 1 + x² एक ब्रैकेट में माइनस
अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैसेज सा लिख लिया, यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से मैं। अब देखो, अब क्या करूंगा मैं, अब मुझे यहाँ इसमें जो वो फॉर्म है इंटरमीडिएट फॉर्म है इसको हटाना है, तो मुझे मेरे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है, अब उसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा। देखो, जनरली हमको आइडियाज दिए गए थे पहले कि क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि मैं अगर रैशनलाइज करूंगा तो शायद मेरा ये जो फॉर्म है जो मुझे अभी भी 1/0 टाइप वाली इनइक्वालिटी दे रहा है, ये दे रहा है, लिमिट दे रहा है, तो इसको मैं एलिमिनेट करूंगा। तो मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1+x² प्लस अंडर रूट 1-x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो ये मुझे क्या देगा, ऊपर होगा 1+x² माइनस अंडर रूट 1-x² अपॉन 3x² इंटू 1+x² इंटू अंडर रूट 1-x² इंटू 1+x² प्लस अंडर रूट 1-x² अपॉन 1+x² प्लस अंडर रूट 1-x². ठीक है, अब ऊपर जो न्यूमिनेटर में टर्म्स है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूं मैं, तो वो होगा मेरा 1+x² का स्क्वायर माइनस 1-x² अपॉन 3x² इंटू 1+x² इंटू अंडर रूट 1-x², इन टर्म्स को ऐसे ही रहना दो, क्योंकि ये इनमें मैं x इक्वल टू 0 डालूंगा तो वो मुझे 1 ही देगा, प्लस 1-x². ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो ये मुझे देगा x⁴ प्लस 2x² प्लस 1 माइनस 1 प्लस x² अपॉन, और ये सारी टर्म्स वापस 3x² 1+x² अंडर रूट 1-x² इंटू 1+x² प्लस अंडर रूट 1-x². ठीक है, अब फाइनल स्टेप देखो इसकी, यहाँ पे क्या हुआ, एक्स टू द 1 से 1 गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x². अब मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, अगर अगर मैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, फाइनली फाइनली मेरे पास बचेगा न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन, नीचे जो डिनोमिनेटर में था वो सब वैसे का वैसे ही, मैं लिखूंगा नहीं अभी से, तो अगर मैं सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट गया, तो अब अगर मैं इसमें एक्स इक्वल टू 0 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा मुझे 3 अपॉन, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1+1 2, 3 टू द 6, तो फाइनल आंसर मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर मेरा होगा 1/2। ठीक है, ठीक है, फिजिक्स में हम देखने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का सवाल है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में कुछ दो तीन कंसेप्ट हमें याद रखने होते हैं, तो बस उन्हीं पे से सवाल आते हैं, तो चलो देखते हैं कि क्या कंसेप्ट याद रखना है हमें। देखो, सबसे पहला कंसेप्ट, अगर मेरे पास दो या तीन लेंसेज है जिनको मैं एकदम क्लोजली ज्वाइन किया हूँ, ये याद रखना कि क्लोजली ज्वाइन किया है तभी ये कंसेप्ट लगता है, अगर ये पकड़ लूँ मैं और इन तीनों के फोकस है मेरे पास F1 F2 F3, तो इसका जो मैं फोकस इक्वेलेंट फोकस बोलूंगा, जो कि मैं कंसिडर करूंगा कि एक सिंगल लेंस अगर मुझे चाहिए इन तीनों के बजाय, जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन जितना फोकस दे, तो उसे मैं लिख सकता हूँ 1/F इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पावर इक्वल की है हमने, ठीक है, 1/F मतलब पावर होती है, तो तीनों की पावर का सम मतलब जो फाइनल हमारा लेंस होगा उसकी पावर। ठीक है, ये एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट, अगर मेरे पास कोई लेंस है जिसका कर्वेचर का रेडियस इस साइड वाला R1 है, इस कर्वेचर का रेडियस R2 है, तो इसका मैं फोकस लिख सकता हूँ 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। म्यू यहाँ पे म्यू रिलेटिव होता है, ठीक है, और म्यू मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट हो गए। इसके बाद एक तीसरा साइन कन्वेंशन वाला कंसेप्ट देख लो, कि अगर मेरा रेडियस इस डायरेक्शन में है तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, और अगर इस डायरेक्शन में है तो उसको मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन हम वो बाद में रखेंगे, पहले सवाल की तरफ आते हैं। देखो तो यहाँ पे तीन लेंसेज हैं, तीनों लेंसेज को ज्वाइन किया है, मतलब मैं फोकस, इसका जो इक्वालेंट फोकस है उसको लिख सकता हूँ वन अपॉन एफ इक्वालेंट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन एफ थ्री। ठीक है, सही है। इसके बाद देखो, अब इन तीनों लेंसेज को अलग अलग कर दो, एयर मीडियम ही रखो, मतलब यहाँ पे म्यू रिलेटिव जो है वो म्यू ही होगा इनका। ठीक है, और इसके बाद वन अपॉन ये फॉर्मूला यूज करके इसका एफ वन एफ टू एफ थ्री निकालेंगे हम। तो चलो पहले लेंस के लिए देखते हैं, तो वन अपॉन एफ वन क्या होगा मेरा, वन अपॉन एफ वन होगा म्यू रिलेटिव 3/2 माइनस वन इंटू। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले हम ये कर्वेचर देखेंगे, इस साइड वाला कर्वेचर। तो इसका जो रेडियस है देखो ये ऐसा है, तो इसका जो रेडियस है वो ऐसे होगा कहीं, इस साइड होगा ना, मतलब इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैं पॉजिटिव लूंगा, और रेडियस 10 दिया है तो 1/10 माइनस। अब दूसरा कर्वेचर ऐसा है, तो इसका रेडियस इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको मैं नेगेटिव लूंगा, तो उसको मैं लूंगा माइनस इंटू माइनस 1/10। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरे पास, तो ये होगा मेरे पास 1/2 इंटू 2/10, मतलब क्या हुआ 1/10, 1/F1 आ गया। अब 1/F2 के लिए देखो, 1/F2 क्या होगा मेरा 6/5 माइनस वन। अब देखो, अब सबसे पहला इस टाइप वाला कर्वेचर है, ये देखो इस साइड वाला ऐसा, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस 1/10 होगा, क्योंकि 10 दिया है उस यहाँ पे। उसके बाद माइनस, अब इस साइड वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 20 दिया है इस साइड वाला रेडियस, तो माइनस 1/20, तो ये कितना देगा मुझे, ये होगा 1/5 इंटू, सॉरी यहाँ पे 20 होना चाहिए, तो ये होगा -3/20, मतलब कितना हुआ ये -3/100। ठीक है, इसके बाद 1/F3 लिखते हैं, 1/F3 को भी लिखूंगा मैं सेम 8/5 माइनस वन इंटू। अब देखो, अब पहला कर्वेचर इस टाइप वाला है, तो 1/20 माइनस, दूसरा कर्वेचर नेगेटिव में आएगा तो प्लस हो जाएगा ये 1/20, तो कितना होगा ये 3/5 इंटू 2/20, मतलब 6/100। अब एफ इक्वालेंट निकालना है, तो एफ इक्वालेंट को कैसे लिखूंगा मैं, एफ इक्वालेंट को लिखूंगा मैं 1/F इक्वालेंट इज इक्वल टू, कर लो ऐड इसको, 1/10 प्लस 6/100 माइनस 3/100। ठीक है, तो ये कितना हुआ 3/100, और यहाँ पे हुआ ये 13/100, तो एफ इक्वालेंट कितना आया मेरा 100/13। ठीक है, यही होगा मेरा फाइनल आंसर। देखो अब यहाँ पे एक दो तीन और छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर सकते हैं हम, तो आप ट्राई करना कि आप वो भी याद रख लो। ठीक है, मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो अगर मेरा बाय कॉन्वेक्स लेंस है ऐसा, ठीक है, अगर मेरा बाय कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे मैं 1/F को लिख सकता हूँ, 1/F मेरा होगा म्यू, सॉरी 1/F होगा मेरा R/2 इंटू म्यू माइनस वन, जब मेरा दोनों का रेडियस सेम होगा। ठीक है, जैसे इस केस में था, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता था 10/2 इंटू 3/2 माइनस वन, जो कि क्या होगा 10/2 इंटू 3/2 माइनस वन 1/2 10, मतलब मेरा फोकस होगा 1/F नहीं होगा, F होगा 10, तो 1/F होगा मेरा 1/10। ठीक है, सिमिलरली इस केस के लिए भी वैसे ही होगा। और उसके अलावा अगर एक जगह प्लेन है मेरा और दूसरी जगह लेंस है, तो उसके लिए यहाँ पे बस 2 नहीं होगा, बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा फोकस का। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है फोकस निकालने के लिए, जिसको हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और ये सिर्फ बाय कॉन्वेक्स में अप्लाई होती है। अगर आपको इसके लिए करना है, तो इसके रेडियस अलग है, तो तब अप्लाई नहीं होगी, अगर रेडियस सेम होता तो यही फॉर्मूला लगता, रेडियस सेम होना चाहिए बस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आज हम करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री का श्योर नहीं है कि क्वेश्चन किस किस चीज से आते हैं, लेकिन जनरली हमने देखा था कि कोअगुलेशन वैल्यू से क्वेश्चन आते हैं, फ्लोकुलेशन वैल्यू से कुछ सवाल आते हैं, और बाकी फिर बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अब सरफेस केमिस्ट्री का टेंशन, मतलब सरफेस केमिस्ट्री के लिए हमने कुछ सोचा है, कुछ दिनों में आ जाएगा, तो आप इतना मतलब वरीड मत रहना कि अगर नहीं समझा ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो ठीक है, तो देखो बोला क्या है कि हमें यहाँ पे कोअगुलेशन वैल्यू निकालनी है, तो कोअगुलेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है, कोअगुलेशन वैल्यू इज इक्वल टू
नंबर ऑफ, रुको इसको मैं यहां पे लिखता हूं, कोगुलेशन वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मेरा क्या है, 10 मिलीलीटर 0.5 मोलर केसीएल, और मेरा 50 मिलीलीटर ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड ये है, क्या है, कोलाइड है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मिलीमोल्स कितने आएंगे मेरे, 10 इंटू 0.5। देखो मिलीमोल्स क्यों बोलते हैं हमको, हम इसको, क्योंकि यहाँ पे मेरा वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में है, तो अगर लीटर में होता तो मोल्स होते, ठीक है, तो ये मिलीमोल्स हो गए अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन 50 मिलीलीटर, मिलीलीटर है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इंटू 10^-3। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो हुआ मेरा 5 अपॉन 50 इंटू 1000, 25 100, तो फाइनल आंसर होगा मेरा 100। बस यही करना है इसमें, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ, कुछ टाइम में कुछ आएगा, सारे टॉपिक्स के लिए आएगा, बायोमोलिक्यूल्स के लिए भी आएगा, सरफेस केमिस्ट्री के लिए भी आएगा, तो ज्यादा टेंशन मत लेना उसके लिए। उसके अलावा एमएसटीसीटी पे डिस्कस करना है मुझे, कि मुझे एक या दो लोगों ने बोला है कि प्रीवियस ईयर डिस्कस करो एमएसटीसीटी के सवाल, तो आपको क्या लगता है कि उसी पे मैं वीडियो बनाऊं, या कुछ और सजेशन है आपका तो प्लीज दो, नहीं तो फिर मैं उसी पे काम करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, 5 दिन बाकी है बस, कर लो अच्छे से, और आई बेट कि अगर आप कर लोगे अच्छे से तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो बाय, कल मिलते हैं।